नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। सिंचाई विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर जमकर धांधली हुई है। विभाग अध्यक्ष एके सिंह ने ट्रांसफर पॉलिसी की धज्जियां उड़ाई। बाढ़खंड में चार चार साल से जमे अधिकारियों को बचाया है। शासन ने तीन साल से अधिक एक जनपद में रहने वाले अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए थे। मलाईदार कुर्सियों पर बैठे अधिकारियों को उनका तबादला नहीं किया गया। बाढ़खंड में चार चार साल से जमे अभियंताओं में से किसी का तबादला होना था, लेकिन किसी का तबादला नहीं हुआ है। प्रदेश में करीब 25 से 30 डिवीजनों में ट्रांसफर पॉलिसी का एके सिंह ने उल्लंघन किया है। कामनीकांत राय ऐसी बाढ़खंड गोरखपुर में चार साल से तैनात है। पॉलिसी में आने के बाद भी इनका तबादला नहीं हुआ। रुपेश कुमार ईही गोरखपुर में चार साल से तैनात है। रुपेश कुमार की तैनाती में भी ट्रांसफर पॉलिसी का उल्लंघन किया गया है। शोभित कुशवाहा ईही की बाढ़खंड लखीमपुर खीरी में तीन सालों से ज्यादा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका तबादला नहीं हुआ है। वहीं अगर बाढ़खंड बहराइच की बात करें तो यहां से भी राजीव कुमार शारदा खंडनगर लखीमपुर में तीन सालों से ज्यादा समय से तैनात है। तबादले रोकने में जबरदस्ती लेन देन की भी पूरी सच्चाई विभाग में चर्चा का विषय बनी हुई है। यानी कि सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष एके सिंह बड़ा खेल कर रहे हैं, ऐसे आरोप उन पर लग रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 सिबोरगढ़ के समीप बाधित हो गया है। वहीं पौड़ी जनपद में बारिश के बाद कई जगहों से भूस्खलन की सूचनाएं मिल रही हैं, जिस पर जिला प्रशासन द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रत्येक तहसीलों से पल पल की जानकारी जुटाई गई। वहीं जिन जगह सड़क बंद थी उन्हें खुलवाने के निर्देश अपर जिलाधिकारी ने दिए हैं, ताकि रास्ते बाधित न हो और आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। सरोवर नगरी नैनीताल के आसपास मूसलाधार बारिश पड़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी साबित होती नजर आ रही है, जिसके चलते मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है, जिससे एक राज्य मार्ग गजरिया बेल तालघाट और चार ग्रामीण मार्ग डोला न्याय पंचायत मार्ग कांडा डॉन परेवा मार्ग हरिशताल मोटर मार्ग सिमलीखा सगदीना मार्ग बाधित हैं। नैनीताल जनपद में अभी तक औसतन 33.3 mm बारिश पड़ चुकी है। मॉनसून की दस्तक के साथ शुक्रवार से ऋषिकेश में राफ्टिंग की गतिविधियां बंद हो जाएंगी। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक गंगा नदी में रिवर राफ्टिंग नहीं हो पाएगी। बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। ऋषिकेश में पर्यटक अब राफ्टिंग नहीं कर पाएंगे। प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे होने पर गदरपुर के ब्लॉक कार्यालय में लाभार्थी सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे द्वारा 70 आवास लाभार्थियों जिनका पूर्ण रूप से आवास मिल चुके हैं उनको सम्मान के रूप में गृह प्रवेश के लिए 5,000 रुपये के हिसाब से 35,000 रुपये का चेक भी दिया गया है, जिसमें 10 महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। तो गदरपुर की तस्वीरें, जहाँ पर 100 दिन पूरे होने पर ये बड़ा यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया। चौदह जुलाई से शुरू होने वाले नीलकंठ महादेव की कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों को शहर में घुसने की इजाजत नहीं होगी। हर की ओर से आने वाले सभी कांवड़ियों के वाहन IDPL चौकी क्षेत्र अंतर्गत पार्किंग में खड़े कराए जाएंगे, जहां से शिव भक्त पैदल आस्था पथ होते हुए नीलकंठ मंदिर की ओर रवाना होंगे। पार्किंग की बेहतर व्यवस्था के लिए SP देहात कमलेश उपाध्याय ने पुलिसकर्मियों के साथ निरीक्षण किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं ऋषिकेश की, जहाँ पर IDPL में पार्किंग का पूरा व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे गंगा उफान पर आती दिखाई दे रही है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर मुनादी कर गंगा तटों के किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए तहसील में 24 घंटे कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। प्रशासन ने लोगों को बढ़ते हुए गंगा के जलस्तर को देखते हुए दूरी बनाने की सलाह दी है। तो उत्तराखंड में लगातार बरसात हो रही है, जिसकी वजह से प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं जो गंगा के किनारे गांव बसे हुए हैं, जो लोग गंगा तटों पर रहते हैं, उनको वहां से हटाने की यहां पर कोशिश की जा रही है।
पौड़ी के थलीसैंड के अंतर्गत आने वाले टीला गांव में सुबह से हो रही बारिश के बाद कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड हो गया। ग्रामीण विक्रम सिंह नेगी की ओर से जानकारी दी गई कि सुबह से बारिश हो रही है जिसके चलते लैंडस्लाइड हो गया है। पानी का बहाव तेजी के साथ खेतों में पहुंच रहा है जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। वहीं जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जुगडंडे ने इस संबंध में एक टीम को मौके पर भेजा है। क्षेत्र में हुए नुकसान का आंकलन भी लगातार किया जा रहा है। वहीं SDRF की मदद से लोगों को सहायता पहुँचाई जा रही है। पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने डांस पार्टी में जमकर गोलियां बरसाई हैं। गांव में गोली चलने से भगदड़ मच गई। हथियारों से लैस 7-8 दर्जन दबंगों ने गांव में दहशत फैला दी। बता दें कि यहां पर पार्टी चल रही थी, तभी अचानक तमंचा और बंदूक लिए कुछ दबंग यहां पर पहुंचे हैं और फायरिंग कर दी। गोली चलने से डांस पार्टी में भड़कम मच गया है। वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये घटना पुरानी रंजिश की बताई जा रही है। तो लखनऊ से खबर सामने आ रही है जहां पर स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। डॉक्टर मंजीत सिंह CMO हाथरस बने हैं। डॉक्टर आभा मिश्रा CMO ललितपुर बनी हैं। डॉक्टर तरन्नुम रजा CMO संभल बनाई गई। वहीं डॉक्टर अमरिंद्र कुमार CMO फरुखाबाद बने हैं। इसके अलावा तमाम और नाम हैं जिनके तबादले यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो कई बड़े नाम भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। श्रावस्ती में पारिवारिक कलह के चलते युवक ने सरयू नहर में छलांग लगा दी। ग्रामीणों ने युवक को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन युवक नहीं माना और नहर में कूद गया। किलौला क्षेत्र के गोपालपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। युवक यहीं का निवासी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। युवक की तलाश की जा रही है। उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में जिहादियों का फतेहगढ़ चौराहे पर पुतला दहन किया गया। जैनवी चौराहे पर हिंदूवादी संगठनों के आने का इंतजार में भारी पुलिस फोर्स खड़ी रही क्योंकि जानकारी मिल रही थी कि यहां पर कई हिंदूवादी संगठन पहुंच सकते हैं। ऐसे में पुलिस फोर्स तैनात रही है। फतेहगढ़ चौराहे पर पुतला दहन किए जाने के कार्यक्रम के प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। पुतला दहन किए जाने की सूचना पर CO सिटी प्रदीप सिंह शहर कोतवाल और फतेहगढ़ कोतवाल PAC और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित यूनिक्स विजय शर्मा मेमोरियल उत्तर प्रदेश ईस्ट जोन सिलेक्शन बैडमिंटन टूर्नामेंट का शानदार शुभारंभ एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ। बैडमिंटन के बेहतरीन टूर्नामेंट के अवसर पर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री और पूर्व IPS अफसर असीम अरुण उनके साथ मौजूद रहे। विधायक GS धर्मेश नेटबॉल नेशनल प्लेयर और स्पोर्ट्स पर्सनल मोटिवेशन स्पीकर सोशल एक्टिविस्ट प्राची क्रीड़ा भारती के प्रदेश अध्यक्ष संदीप पाठक आयोजन कमेटी की अध्यक्षता बीना लवानिया मुख्य रूप से यहां पर उपस्थित रहीं। ललितपुर थानाबाद क्षेत्र के सेमराडांग गांव का ही पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर जमीन की पैमाइश करने लगे लेखपाल तहसीलदार और बार थाना पुलिस के सामने एक महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा करना शुरू कर दिया। महिला जमीनी विवाद को लेकर प्रशासन के सामने पेड़ पर चढ़ गई, फांसी लगाने की कोशिश करती रही, बमुश्किल पुलिस ने समझाया। राजस्थान के उदयपुर में हुए जघन्य हत्याकांड को लेकर देश भर के हिंदू संगठनों में उबाल है। इस घटना के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल ने मुरादाबाद में सड़क पर जुलूस निकाला। दोनों आरोपियों को बीच सड़क पर गोली मारकर सजाए मौत देने की मांग सरकार से की है। मुरादाबाद के सिविल लाइन में ढोल की थाप पर खाकी ने जमकर ठुमके लगाए। दरअसल जो वीडियो सामने आए हैं इसमें 30 दर्जन से ज्यादा खाकी वर्दीधारी महिलाएं ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। इस डांस कार्यक्रम के बाद जब इस बाबत बात की गई तो महिला ने बताया कि 30 जून को कुछ महिला होमगार्ड्स का रिटायरमेंट था जिसकी खुशी में उनके साथ ही होमगार्ड और महिला कांस्टेबल विदाई के समय उन्हें फूलमाला पहनाने के साथ खुद को रोक नहीं पाई और 30 दर्जन से ज्यादा खाकी वर्दी पहने योगी पुलिस ढोल की थाप पर भांगड़ा करती हुई डांस करती हुई नजर आई हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।